इमरान खान ने कश्मीर मसले पर सभी पाकिस्तानियों को दी ये चेतावनी। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज पाकिस्तानियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भावना में बहकर गलती से भी नियंत्रण रेखा LOC पार करने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान PM इमरान खान ने कहा कि ऐसा किसी भी कोशिश से कश्मीरियों के संघर्ष पर बुरा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि इमरान खान को मन ही मन ये डर सता रहा होगा कि अगर गलती से भी पाकिस्तानियों ने LOC पार करके कुछ कर लिया तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीर मसले पर आवाज़ उठाने के लायक नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि इमरान खान को एक पत्रकार ने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर गुस्से में है और वहाँ जाकर उनके लिए लड़ना चाहते हैं, तो इमरान ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा करना कश्मीरियों के प्रति सबसे बड़ी दुश्मनी निभाना होगा। जिसे लगता है कि वे कश्मीरियों की लड़ाई में साथ देने के लिए सीमा पार करेंगे वे कश्मीरियों और पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। इमरान ने आगे कहा कि भारतीय प्रशासन कश्मीर में दमन करने के लिए ऐसे ही किसी बहाने का इंतजार कर रहा है। उन्हें बस एक बहाना चाहिए। अगर पाकिस्तान से कोई भी शख्स भारत लड़ने के लिए जाता है तो इससे उन्हें वहाँ और अत्याचार करने का मौका मिल जाएगा। भारत कहेगा कि कश्मीरी तो हमारे साथ है लेकिन पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ने आगे कहा कि भारत को कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन पर पर्दा डालने का मौका मत दीजिए, इससे कश्मीरियों की जिंदगी और मुश्किल हो जाएंगी। इमरान खान अपने देश के आतंकी चेहरे की हकीकत के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्हें यह डर बार बार सता रहा है कि कहीं फिर से पूरी दुनिया के सामने उनकी पोल ना खुल जाए। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई को लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लड़ार में भी है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती है तो उसे वैश्विक संस्थानों से ब्लैकलिस्ट होते देर नहीं लगेगी। इमरान खान ने आगे कहा कि पाकिस्तान से किसी को भी LOC पार करने की इजाज़त नहीं देंगे। जब तक कश्मीर से कर्फ्यू नहीं हटेगा तब तक वह दिल्ली के साथ वार्ता नहीं करेंगे। कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह से असफल होने के बावजूद इमरान खान ने आश्वासन दिया कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में कश्मीर का मुद्दा मजबूती से उठाएंगे। आपको बता दें कि इमरान खान ने सिंध के गोटके जिले में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को साजिश करार दिया और कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र में उनके दौरे को असफल करने की कोशिश है। उन्होंने सफाई में कहा कि पाकिस्तान का संविधान अल्पसंख्यकों समेत में हर नागरिक को समान अधिकार देता है। जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकारों से जुड़े अनुच्छेद 370 में बदलाव के मोदी सरकार के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान के कई नेता और राजनयिक खुले तौर पर भारत के खिलाफ जिहाद के इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। इससे पहले भी इमरान खान ने अब जिहाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि इससे पाकिस्तान को फायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। और आपको बता दें कि इमरान खान को अच्छी तरीके से पता है कि हमने अगर कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की तो मोदी जी का अगला लक्ष्य POK है। इसलिए इमरान खान धारा 370 हटने के बाद POK के 4-5 चक्कर लगा चुके हैं।